ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा को दिल्ली में संदिग्ध उनकी मौत हो गई है। हिमाचल के मंडी से सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, घर में फंदे से लटका मिला रामस्वरूप शर्मा का शव और सांसद के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। निधन के चलते भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई है। तो भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया है, कारण क्या है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और शिमला से संवाददाता शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कारण रहे, किस वजह से ये सब हुआ? देखिए भैया जी, जो अभी तक पता चला है कि रामस्वरूप शर्मा जी पिछले काफी समय से थोड़ा डिप्रेशन में नजर आ रहे थे और उनके जो साथी सांसद है उनसे भी जो बात हुई है और जो मंत्री हैं दिल्ली में जिनसे उनका वास्ता रहता था, हर रोज का मिलना जुलना रहता था, उन सबकी ऑब्जर्वेशन थी कि वो पिछले काफी समय से परेशान चल रहे हैं। और अभी एक हमारे सांसद हैं जो कांगड़ा से सांसद है किशन कपूर जी, उनसे अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले कल ही लोकसभा में उन्होंने उनसे पूछा था कि आप इतने उदास नजर आ रहे हो, क्या कोई समस्या है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन विजिबली अपसेट नजर आ रहे थे रामस्वरूप शर्मा पिछले काफी समय से। और जहां तक अगर तहकीकात की जाए या उनके आसपास के लोगों का कहना है, घरेलू तौर पर उन्हें किसी तरह की ऐसी समस्या नहीं थी कि जो उनके अंदर चल रही हो या जिस वजह से उन्हें सुसाइड जैसा बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा हो। तो ये एक तरह से एक रहस्य ही बना हुआ है अभी के क्या आखिर कौन सा ऐसे कारण रहे कि जिस वजह से उन्हें इस हद तक जाना पड़ा। और जानकारों का वैसे कहना ये है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर थोड़ा सा करना पड़ रहा था। और पिछले काफी समय से, जबकि वो पंचायत चुनाव अभी हिमाचल में हुए थे पिछले महीने, तो इस पंचायत चुनाव में थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर मुश्किलों का सामना रामस्वरूप शर्मा को करना पड़ा। और वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, सेंसिटिव व्यक्ति थे, उनके अपने सगे भाई इस चुनाव में पंचायत का चुनाव हार गए थे और इस हार के बाद थोड़ा सा अपमानजनक परिस्थितियों में वो महसूस कर रहे थे अपने आप को। लोगों के बीच में फेस करने से भी थोड़ा सा उन्हें भय लग रहा था और क्योंकि वो एक सेंसिटिव व्यक्ति थे तो इस वजह से उन्होंने काफी फील कर रखा था इस बात को। और लगता था कि राजनीतिक तौर पर उनकी परेशानी धीरे धीरे कुछ लगता है कुछ और भी जो आसपास के लोग थे उनके साथ भी उनका व्यवहार थोड़ा सामान्य पिछले काफी समय से नहीं था, तो पर इस हद तक वो जाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और शशिकांत, क्योंकि वो पहले अस्वस्थ भी बताए जा रहे थे, उसके बाद स्वस्थ भी हो गए, क्योंकि परिवार उनका कहाँ रहता है, क्या उससे बातचीत नहीं की? क्योंकि राजनीति में ऐसी समस्याएं चलती रहती है, अप डाउन आते रहते, साथियों से कोई बातचीत नहीं हुई? बिल्कुल, लेकिन अस्वस्थता भी इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि वो काफी पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था लगभग एक वर्ष पूर्व। अच्छा। और उस दिल के दौरे में वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ होकर वापस लौटे थे। तो ऐसी कोई, ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसी बड़ी परेशानी उनको थी जिस वजह से वो आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाए। और पता चला है उन्होंने कमरे में अपने पंखे से रस्सी से लटक कर आत्महत्या की है। तो लगता है कि ये बहुत मानसिक तौर पर तैयार हो चुके थे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए और अंदर ही अंदर उन्हें कोई चीज खाई जा रही थी और डिप्रेशन का क्योंकि वो शिकार थे इस वजह से शायद वो इस कदम को उठा पाए। अदरवाइज उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। रामस्वरूप शर्मा नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे क्योंकि हिमाचल से उनका नाता रहा है, वो हिमाचल से जब नरेंद्र मोदी प्रभारी थे तो रामस्वरूप शर्मा और नरेंद्र मोदी जी दोनों इकट्ठे रहा करते थे और दोनों इसी वजह से उन्हें टिकट भी दिया गया क्योंकि मोदी जी उन्हें जानते थे व्यक्तिगत तौर पर। तो इतना अच्छा राजनीतिक करियर होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया इससे सभी हैरान है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रामस्वरूप शर्मा के जाने से सिर्फ मंडी लोकसभा क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा, इसके लंबे राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इस सीट का राजनीतिक भविष्य अब पूरे हिमाचल के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक भविष्य पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन क्योंकि मानसिक तौर पर डिप्रेस थे, वो डिप्रेशन में थे, ऐसे में परिवार कहाँ उनका रहता था, क्या बातचीत नहीं हुई थी, साथियों से कोई बातचीत नहीं करते थे वो? उनका परिवार देखिए मंडी में ही रहता था और जहां तक पारिवारिक तौर पर है उनके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से सेटल्ड है, उनकी सरकारी नौकरियों में है या दूसरा काम धंधा कर रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत पारिवारिक स्तर पर उन्हें कभी नहीं रही, परिवार के लोग उनके साथ ही थे और किसी तरह की वो परेशानी नहीं थी। वो अभी लोकसभा का सत्र जब से शुरू हुआ है वो फिर से दिल्ली गए थे, लेकिन ये जरूर है कि पिछले काफी समय से वो लोगों के बीच नहीं जा रहे थे। यहाँ तक कि ये भी नोटिस किया गया कि मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम मंडी जिला में या मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए जिसमें कि सांसद आवश्यक तौर पर रहते हैं
उसमें भी रामस्वरूप शर्मा की उपस्थिति नजर नहीं आई कई जगहों पर। तो लोगों में ये चर्चा का विषय था कि रामस्वरूप शर्मा कुछ कटे हुए हैं और लोगों से मिलना जुलना उनका कुछ कम हुआ है। तो परिवार के सदस्यों से अभी तक किसी की बात नहीं हो पाई है, लेकिन ये महसूस सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं कर रहे थे, आम जनता भी ये महसूस कर रही थी कि रामस्वरूप शर्मा जी थोड़ा तनाव में है। जी, तो तनाव दिखने लग गया था उनके चेहरे पर और शायद यही कारण रहे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत पूरी जानकारी के लिए।